अंकित गुप्ता ने चांटा मारा है और वो भी बताकर मारा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि अंकित गुप्ता ने कोई सोच भी नहीं सकता था कि, वैसे तो एक बात सच है, शेखर सुमन की बात सच साबित हो गई कि ये इस रेस का वो लंबा घोड़ा है जो बहुत दूर तक जाने वाला है। वल जैसा मैंने कहा कि अंकित ने चांटा मार दिया है और चांटा वाकई काफी जोरदार पड़ा है सभी घर वालों के मुंह पर। जी हाँ, हर कोई अंकित को बहुत लाइटली ले रहा था, लेकिन अंकित जब बोलते हैं तो बहुत सेंसिबली बोलते हैं, जब बोलते हैं तो सोच विचार कर बोलते हैं और अधिकतर सही ही बोलते हैं। इस वक्त प्रोमो जो है वो वायरल हो रहा है और इस प्रोमो में वाकई अंकित ने आग लगा दी है, यही आई थिंक मेरे दिमाग में जो राइट वर्ड आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में डिटेल में। योगदान की रैंकिंग पर निम्रत की राय घर में लाएगी नया तूफान। शिव रैंक नंबर वन पे आए, अभी पास तक मंडली जाएगी। वेट, यहाँ तो दोस्ती छोड़ दो निम्रत। रैंक थ्री पे मैं अब्दू को रखना चाहूंगी। कम ऑन मैन, अब्दू तो अपने ओपिनियंस कभी वोकलाइज ही नहीं करता, अलग रहती है, घर में नहीं रहती है। राजेश जी को रैंक फाइव पे इसलिए डालना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ कंटेस्टेंट वो एक होल पैकेज है। आपको ये लगता है कि घर के टास्क में भी उतना इन्वॉल्व होते हैं? मेरे टास्क में मैं कितना इन्वॉल्व हूँ मुझे मालूम है। अंकित को मैं रैंक 11 देना चाहूंगी। अगर मैं सबसे कम इन्वॉल्वमेंट के बाद भी 9वें हफ्ते में सिर्फ एक बार नॉमिनेट होके यहाँ तक हूँ, ये आप सबके मुंह पे चाटा है। घर की रानी निमृत ने आपको अपने हिसाब से रैंक किया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। योगदान की रैंकिंग पर निम्रत की राय घर में लाएगी नया तूफान। शिव रैंक नंबर वन पे आए, अभी पास तक मंडली जाएगी। सो आपने भी क्लियरली देख लिया कि निम्रत ने कितना बायस्ड डिसीजन लिया है। अंकित गुप्ता ने जो बात कही वो बात उनकी एक बात 100 बात के बराबर थी कि घर के अंदर आप सबके मुंह पर ये तमाचा है कि आप सब इतनी बार नॉमिनेट होकर खुद को सेव कर ये कर वो कर इतने सारे पापड़ बेलने के बाद जाकर आप सेव हुए हैं और वहां तक पहुंचे हैं 9वें हफ्ते तक। मैं 9th वीक तक पहुंचा हूं बिना फालतू बकवास किए, बिना लड़े, बिना नॉमिनेट हुए, सिर्फ एक बार नॉमिनेशन में आया हूं और ये आप सबके मुंह पर तमाचा है। सो आई थिंक अंकित गुप्ता इस सीजन के सबसे बड़े डार्क हॉर्स हैं और अंकित ही इस सीजन की ट्रॉफी लेकर जाएंगे, ये मेरी गट इंट्यूशन कहती है। अंकित प्रियंका में से कोई एक होगा और अगर टॉप थ्री में अंकित प्रियंका और शिव आ जाएं तो फिर मजा ही आ जाएगा। आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कि अंकित का ये अंदाज कैसा लगा।